नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। भाई की शादी कराने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंची सोनिया। मेघना से फेसबुक पर हुई दोस्ती, फिर खौफनाक वारदात। सहारनपुर में नागल थाना क्षेत्र के गांव नेनसोप निवासी सोनिया उर्फ लक्की त्यागी को छत्तीसगढ़ बुलाकर जहर देकर हत्या कर दी गई। सोनिया अपने बड़े भाई की शादी कराने के प्रयास में लगी थी। इसी के चलते मेघना नामक युवती से फेसबुक पर उसकी दोस्ती हुई। मेघना ने सोनिया के भाई से शादी करने के लिए हामी भरी और सोनिया को छत्तीसगढ़ बुलाया, जिसके बाद सोनिया वापस ही नहीं आ सके, जिसके चलते 21 अक्टूबर को परिजनों ने गुमशुदगी थाने पर दर्ज कराई और 22 अक्टूबर को युवती का शव छत्तीसगढ़ में मिला। क्रिकेटर शमी के समर्थन में उतरे सांसद हाजी फजलुर रहमान T20 विश्व कप में पाकिस्तान से मिली शर्मनाक हार के बाद भारत की क्रिकेट टीम पर सवाल किए जा रहे हैं, यहां तक कि सोशल मीडिया पर निशाना साधा जा रहा है। इसमें तेज गेंदबाज शमी को भी निशाने पर ले लिया गया, जिसके बचाव में सहारनपुर के सांसद हाजी फजलुर रहमान भी आ गए। सांसद हाजी फजलुर रहमान का कहना है कि मोहम्मद शमी को निशाना बनाया दुखद व घटिया मानसिकता का परिणाम है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट के माध्यम से शमी का समर्थन किया। ट्रैक्टर ट्रॉली व मिनी ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत, मिनी ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। ये हादसा आज करीब सुबह 4 बजे थाना कुतुबशेर के अंतर्गत सर्किट हाउस रोड पर MPS पुलिया के पास हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली और मिनी ट्रक के जोरदार भिड़ंत में मिनी ट्रक चालक शमशाद पुत्र फरकुद्दीन निवासी खेकड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को रनिंग करने वाले कुछ लड़कों द्वारा पुलिस की सहायता से सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली चालक मौके से फरार हो गया। जब घटनास्थल पर मीडियाकर्मी पहुंचे तो पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए क्या बोले मददगार, सुनिए। मेरा नाम विशाल छुरिया। ये सर सुबह मामला लगभग 4 बजे हुआ है, जो कि हम रनिंग कर रहे थे। रनिंग करते हुए पता लगा है कि वहाँ से एक आदमी का एक्सीडेंट हो चुका है, तो पब्लिक खड़ी देख रही थी। हम रनिंग करते हुए आए हैं तो उस भाई को यहाँ देख सकते हो आप, अंदर भाई फंसा हुआ था। हमने पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ पूरा सहयोग किया है, लेकिन नहीं, हम एम्बुलेंस को फ़ोन करते रहे, एम्बुलेंस वाले बोलते रहे कि आप ना पहले अपना नाम बताइए, एड्रेस बताइए, जब जाके हम आएंगे। लेकिन 100 नंबर पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ मिलकर सहयोग किया है, उस भाई को अस्पताल तक के पहुँचाया है, जो कि हमारे साथ 100 नंबर वाले हमारे साथ जाकर उस भाई को एडमिट करा के आए हैं, जो कि मेरे भाई के एक हाथ में निकालते हुए यहाँ पर देख सकते हो आप, इस भाई के चोट भी लगी है, कांच घुसा है हाथ में, लेकिन कोई नहीं घुस रहा था। हम दोनों भाइयों ने इस भाई को निकाला बीच से। आपकी वजह से व्यक्ति की जान बची। हाँ जी सर। 3 कृषि कानून वापसी, महिलाओं पर अत्याचार करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई, बढ़ती महंगाई, गैस सिलेंडर में पेट्रोल डीजल खाद पदार्थों के बढ़ते दाम पर लगाम करे सरकार, बॉर्डर पर शहीद हुए किसानों के शहीद स्मारक बनाए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन बेदी की महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैशाली बेदी ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, देखे क्या है उनकी प्रमुख मांगे। आपका नाम? वैशाली बेदी, भारतीय किसान यूनियन से महिला अध्यक्ष। ज्ञापन इस विषय में दिया गया कि एक तो कृषि कानून, ये जो काले कानून है, इन्हें वापस लिया जाए जल्द से जल्द, जिसके बार बार सुनवाई तो हम लोग कर दे रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं, तो सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही है। तो इसीलिए DM जी को ये दिया गया है कि ज्ञापन दिया गया है कि इस पर जल्दी कार्रवाई की जाए, और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं और जिनकी सुनवाई भी नहीं होती है, उनके लिए भी हमने बोला है, और जो जितने ये कानून लागू किए जा रहे हैं उन पर भी सुनवाई नहीं हो पा रही है, उनको भी सुने, सबकी मांगों को सुने, और जो ये महंगाई है सारी बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर, औरतें इतनी परेशान हैं, महिलाओं पर अत्याचार, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा। अगर मांगे पूरी ना होंगी तो? मांगे पूरी नहीं होंगी तो फिर यहाँ पर धरना प्रदर्शन होंगे, और जितने ज़्यादा एग्रेसिव लोग होते जाएंगे तो वो धरना प्रदर्शन करते जाएंगे, सड़कों पर बैठेंगे, DM ऑफिस पर बैठेंगे और धरने देंगे, फिर ट्रेनें भी रुकेंगी और बसें भी रुकेंगी, फिर सब कुछ होगा और उसके जिम्मेदार
होंगे, कानून प्रशासन सब होगा। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल व राष्ट्रीय सेवा सुरक्षा परिषद का हुआ उद्घाटन। गलीरे रोड पर आज उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल एवं राष्ट्रीय सेवा सुरक्षा परिषद का उद्घाटन महापौर संजीव वालिया, प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल मित्तल द्वारा फीता काट कर कार्यालय का आज उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महापौर के पहुँचने पर प्रभारी अभिजीत सैनी ने आभार व्यक्त करते हुए क्या कहा, सुनिए। अभिजीत सैनी, प्रभारी सहारनपुर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन, जिसमें आज हमारा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के कार्यालय का उद्घाटन माननीय कृष्ण गोपाल मित्तल प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संजीव वालिया महापौर के माध्यम से हुआ, इसका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बाकी आदरणीय मंत्री जी ने सभी बात आपको बताई, धन्यवाद। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन। 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट में आज प्रदर्शन किया। इस दौरान कोर्ट रोड पर कुछ देर के लिए जाम भी लगाया गया। किसानों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा, वहीं देखे मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने क्या कहा, सुनिए। धरना दिया गया किसानों को, खेत सरकार में बैठे हुए मंत्री के सपुत्र ने गाड़ी से स्कूटर का मार दिया था और उसी मंत्री की बर्खास्त की स्थिति को लेकर किसान यूनियन ने पूरे देश में आज आह्वान किया कि जिला मुख्यालयों में जिले के कलेक्टरों को ज्ञापन देकर उनकी बर्खास्तगी की मांग की गई। उसी उपलक्ष में आज अनपर सहारनपुर में भी आज किसान सांकेतिक रूप से आए और जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर प्रधानमंत्री तक पहुँचेगा कि केंद्र सरकार में बैठे हुए अजय मिश्रा डेयरी मंत्री जो है वो बर्खास्त किए जा या उनका इस्तीफा हो, जिससे जांच जो है प्रभावित ना हो। गन्ने भुगतान के लिए क्या कहेंगे, क्या ये सरकार बदल जाएगी जब तक? तो सरकार ने 7 साल में 35 रुपए बढ़ाए और ये सरकार किसानों की आय भी दुगना कर रही। यहाँ बराबर में ही बिल्कुल हरियाणा पंजाब दिन में 362 रुपए गन्ने का रेट है और यहाँ 350 करा, तो ये तो यही अपने आप में साबित करे ये उत्तर प्रदेश की सरकार किसान विरोधी है। अभी NPK DAP आप डीजल इतना रेट बढ़ गया कि किसान को ट्रैक्टर की जुताई करते हुए भी डर लगे अपने खेत में जाते हुए। लागत इतनी बढ़ गई कि किसान की खेती घाटे का सौदा साबित हो रही और केंद्र भी प्रदेश भी रोज मंत्री मुख्यमंत्री ये कहें कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी। मैं दुगनी छोड़ हम तो आती भी नहीं रही जो पहले थी, दूसरी सरकारों में इनमें ठीक थी हमारी और जब से ये सरकार आई किसान विरोधी हमारी आय तो और घट गई। आने वाले चुनाव में क्या देखो, चुनाव का निर्णय संयुक्त मोर्चा जो भी लेगा इस सरकार के खिलाफ लड़ा जाएगा। वही जो भी निर्णय संयुक्त मोर्चे का होगा चुनाव में वो सब किसान पालन करेंगे। ठीक। सहारनपुर पुलिस के हाथ लगा वांछित अभियुक्त। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जनपद में चलाए जा रहे संदिग्ध वांछित वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चेकिंग अभियान के दौरान थाना नागल अध्यक्ष चौधरी बीनू के कुशल नेतृत्व में थाना नागल पुलिस द्वारा गोकशी व पुलिस मुठभेड़, नाजायज असलाह रखने के कई मुकदमों में जेल जा चुके शातिर अपराधी गैंगस्टर भूरा पुत्र मुर्तजा निवासी ग्राम मानकी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। डेंगू बुखार के लक्षण के चलते फिर 13 वर्षीय छात्र की मौत। कोरोना का कहर शांत हुआ तो डेंगू घातक रूप ले रहा है। ठंड की आहट होने से सेहत के प्रति बेपरवाह हुए लोग सावधान हो जाइए।
मौसम की तब्दीली से डेंगू के डंक ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में डेंगू बुखार के लक्षणों के चलते ननोता नगर के मोहल्ला छत्ता कसरे जहरा निवासी मोनू कुमार का 13 वर्षीय छात्र डेंगू होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर छात्र की हालत में कोई सुधार न होने पर सहारनपुर निजी चिकित्सालय से देहरादून स्थित बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान छात्र की मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया है। तो क्या त्योहारों बाद होगी खाक पदार्थों की सैंपलिंग? दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर लोग एक दूसरे को मिठाई देते हैं, ऐसे में मिठाई की मांग कई गुना बढ़ जाती है। सप्लाई कम और मांग ज्यादा होने के कारण कई बार मिलावट खोर सक्रिय हो जाते हैं। मिलावट रोकने के लिए विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सैंपलिंग की जाती है, लेकिन इस बार सिर्फ 7 दिन शेष है, लेकिन विभाग खामोश है। 677 वर्ष बाद दीपावली से 28 अक्टूबर को पूर्व पुष्य नक्षत्र महासंयोग। दीपावली पर से पूर्व 677 वर्ष बाद पुष्य नक्षत्र का महासंयोग 28 अक्टूबर को आ रहा है। इस महासंयोग के दौरान खरीदारी और निवेश के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, तो वहीं शुभ भी है। इससे पूर्व ये योग 5 नवंबर 1344 को भी गुरु शनि युति मकर राशि में रहते हुए पुष्य योग बृहस्पतिवार को बना था। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।